गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास थ्री का चैप्टर वन फोर डिजिट नंबर का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट नियरेस्ट टेन। राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टेन, इसको ध्यान से समझिएगा। नियरेस्ट टेन और राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग में नंबर को लिखना। राउंड ऑफ मीन्स होता है जीरो फिगर में लाना, राउंड फिगर में लाना। नियरेस्ट टेन आपको पढ़ना है, लेकिन नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड, टेन थाउजेंड भी होता है, बट आज आप पढ़ेंगे नियरेस्ट टेन में कैसे किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। अब इस पे कुछ डिफिनेशन है, उसको हम लिख के बताते हैं। ए नंबर इज राउंडेड डाउन मीन्स क्या होगा उसके बारे में बताएं। ए नंबर इज राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट टेन, टू द नियरेस्ट टेन इफ ए नंबर इज राउंडेड डाउन टू द nearest 10 if the ones digit is 4 or smaller. इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का राउंडेड डाउन मीन्स अगर किसी नंबर का वंस प्लेस पे फोर है या फोर से छोटा है तो वो नीचे की ओर बढ़ जाए। मीन्स नंबर 34 है, इसके वंस प्लेस पे फोर है। वंस प्लेस पे फोर मीन्स हुआ कि फोर या फोर से छोटा रहेगा तो जो उसका नियरेस्ट टेन करेंगे वो 30 हो जाए। इसके बारे में और अभी डिटेल बताएंगे, लेकिन ये जो डिफाइंड मैंने लिखा डेफिनेशन उसका एग्जांपल बताएं कि वो स्मॉलर डाउन, यानी जो फोर और फोर से छोटा होगा वो स्मॉलर यानी नीचे डाउन हो जाएगा। ये फोर हट करके इसके यहां पे जीरो आ जाएगा, यही इसका मतलब है। इसके पे और अभी हम डिस्कशन करेंगे। इसका है ए नंबर इज राउंडेड अप टू द nearest 10 if ones digit is 5 or largest, यानी 5 या 5 से बड़ा होगा तो rounded up होगा। up means आगे बढ़ जाना, यानी ऊपर। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए 35 है, इसका वंस प्लेस पे 5 है, इसका राउंड ऑफ 40 हो जाएगा। मींस यहाँ पे इसमें 1 प्लस हो जाएगा। ये इस डिफाइन यानी डिफिनेशन जो हम लिखे हैं उसका एग्जाम्पल बताए, इसका डिटेल अभी हम बताएंगे। मींस यही कह रहा है कि ये अप हो जाएगा, यानी 35 है तो ये 40 हो जाएगा। 40 कैसे होगा, 30 कैसे होगा,
इस पे अब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब ये जो डिफाइन हम लिखे हैं उसका एग्जांपल बताएं। अब आप समझो, अगर आपको नियरेस्ट 10 रहेगा तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। 10 का हाफ होता है 5। 5 से बड़ा, 5 से छोटा, अगर 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो हम उसको 1 प्लस नहीं करेंगे, उस पर 0 डालेंगे। जैसे ये नंबर मैंने लिखा, एक नंबर, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो मैं बता रहा था कि अगर नियरेस्ट 10 है तो 10 का हाफ लेंगे 5। अब हम नंबर लिखते हैं 24। बताए थे कि इसका राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 10 में किसी भी नंबर का वंस प्लेस के डिजिट को चेक करते हैं, देखते हैं कि वो 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर 5 से वंस प्लेस के छोटा रहेगा तो ये वंस प्लेस का डिजिट है वो 0 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वंस प्लेस का जो नंबर है वो 0 हो जाएगा और जो टेंस है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। सॉरी, अगर वंस प्लेस पे 4 या 4 से छोटा है तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो सेम रहेगा और जो 4 है वो 0 हो जाएगा, मींस आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 मींस आप इसे देखिए, 24 किसके किसके बीच में आएगा? तो 24 20 और 30 के बीच में आएगा, 24 20 और 30 के बीच में आएगा। अब आप देखो ये 24 किसके नजदीक है, किसके पास हम तुरंत पहुंच जाएंगे? यहां से 30 में 6 डिजिट है, यहां से 4 डिजिट है, तो 4 वाला कम है यानी हम इसके पास जल्दी पहुंचेंगे, तो इसका वैल्यू ही 20 हो जाएगा। ये एग्जांपल देके हम बताए, नेक्स्ट एग्जांपल आप इसका और समझ सकते हो। जैसे ये नंबर 38, नियरेस्ट 10 में, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में किसी भी नंबर का वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे कि 5 या 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा होगा, जैसे ये 8 क्या है, 5 से बड़ा 8 है, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे, किसमें? टेंस प्लेस में, और वंस प्लेस पे 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 40, यानी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 का वैल्यू 38 का हो जाएगा 40। ये रूल है, फिर से एक बार समझ लो, नियरेस्ट 10 में 10 का हाफ 5 को चेक करेंगे, 5 वंस प्लेस का जो डिजिट होगा उसको देखेंगे, किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस है उसके डिजिट को चेक करेंगे कि 5 से बड़ा है या छोटा। अगर 5 से बड़ा होगा तो उसके टेंस प्लेस पे रहने वाले डिजिट में 1 प्लस करेंगे और आगे जो है उसको हम 0 डालेंगे, यानी 40। नेक्स्ट एग्जांपल से आप और भी समझ सकते हो, इसे 42। अब 42 क्या है? इसके वंस प्लेस पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके वंस प्लेस को चेक करेंगे नियरेस्ट 10 में। वंस प्लेस पे क्या है? ये 2। 2 क्या है? 5 से छोटा है। जब छोटा रहेगा तो इसका टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी आपका टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वही सेम रह जाएगा और वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 0 हो जाएगा। जैसे
ये फोर टेंस प्लेस का डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और टू जो है जीरो में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रूल मैंने आपको पहले समझा दिया था, बताया कि जब नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना हो तो वंस प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट को हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 से बड़ा है या छोटा। नेक्स्ट एग्जांपल से आप समझो। नेक्स्ट एग्जांपल इस 69। अब ये 69 का वंस प्लेस चेक करो, क्या ये 9? 9 5 से बड़ा है या छोटा? 9 5 से बड़ा है। जब वंस डिजिट बड़ा होगा 5 से तो टेंस डिजिट का जो नंबर है उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी आपका वैल्यू ये होगा 7 और जो वंस प्लेस का डिजिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, यानी इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 70। इसी तरह से और भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। इसके वंस प्लेस को चेक करो, 88। इसका वंस प्लेस 8 है, 8 मींस ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसमें 1 प्लस होगा, यानी टेंस डिजिट पे जो टेंस नंबर है वो 1 प्लस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 90, क्योंकि 8 में 1 प्लस होगा और इस 8 जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छोटा होगा, यहाँ पे 84, तो क्या करेंगे? इसके भी वंस प्लेस को देखेंगे, 4 5 से छोटा है, तो जब 4 5 से छोटा है तो इसके लिए रूल क्या होगा? जब बड़ा होगा तो इस कंडीशन में लिखेंगे, छोटा होगा तो जो टेंस डिजिट है वो सेम रह जाएगा, टेंस डिजिट में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपका 8 सेम रह जाएगा और जो वंस प्लेस पे है वो 0 हो जाएगा, यानी 84 का राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 10 में 80 होगा, यही राउंड ऑफ है। इस तरह से अब आप जो क्वेश्चन है आपके पास बुक है या मैं जो दिया हूं उस पे इससे कॉपरेट लेकर के इसको समझ करके उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम होगा फिर आप डाउट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू।